संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जन मित्र हमारे। कर्ता कर्म अधिकार के मंगलाचरण की चर्चा हो चुकी है। अब जो कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं आरंभ होती हैं, उनकी बात करते हैं। गाथाएं इस प्रकार हैं। जावरण वेदि विशेषम तरंतु आदाशवाण दोन्नमती, कर्ता कर्म अधिकार है और इसमें जो भेद विज्ञान की बात की है वो आत्मा और आश्रमों के बीच की है, ठीक है ना। जावरण वेदि विशेषण तरंतु आदाशवाण दौंडमपी, आत्मा और आश्रम इन दोनों के बीच जब तक यह आत्मा भेद विज्ञान नहीं करता है, भेद नहीं जानता है दोनों के बीच। तो वैसे तो मैंने कल कह दिया था, चाहे भले ही आश्रम कहें, चाहे अजीब कहें, चाहे रूप कहें, उन सब का अर्थ 29 बोल हैं। जीवा जीवाधिकार में वर्णादि कहा और यहाँ रागा आश्रम माने रागादि, तो एक तो वही अर्थ है। फिर भी आचार्य देव आश्रम पर ज़्यादा वजन देना चाहते हैं, माने मुख्य रूप से उसका उल्लेख करते हैं और गौण रूप से अजीब का उल्लेख करते हैं। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि यहाँ अकेले आश्रम की बात नहीं है, क्योंकि आगे इसी कर्ता कर्म अधिकार में अजीब से पृथकता की भी बहुत चर्चा होगी। पर का कर्ता आत्मा नहीं है, पुद्गल का कर्ता आत्मा नहीं है, देह का कर्ता आत्मा नहीं है, इसकी भी चर्चा होगी। यदि अकेले की बात होती तो वो उनकी चर्चा फिर नहीं करते। लेकिन लोक में जब हम जीव से अजीब को भिन्न करते हैं तो लोग आश्रम को अजीब नहीं मानते। कैसे समझे ना, आश्रम को अजीब नहीं मानते, आश्रम को अलग समझते हैं। जो जैन दर्शन में द्रव्य व्यवस्था और तत्व व्यवस्था है, उन दोनों में फंडामेंटल अंतर ही यह है कि अजीब द्रव्य में भी एक भेद है, अजीब द्रव्य बोलते ना, और अजीब आश्रम में भी है। लेकिन तत्वों में भी अजीब नाम आता है, तो अजीब द्रव्य है कि अजीब तत्व है ना। तो लेकिन एक बात का अंतर स्पष्ट देखने में आता है कि जब हम 6 द्रव्यों का नाम लेते हैं तो उसमें से अजीब गायब हो जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आ गया ना, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीब हैं। ऐसा मान के हमने संक्षेप में किया तो जीवम जीवम दब्बम कह दिया, और विस्तार किया तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल कह दिया। लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं है कि तत्वों में जीव आश्रम आदि साथ में कहे तो अजीब गायब नहीं होता,
अजीब खड़ा रहता है, जीव अजीव आश्रव बंध सम्मा निजरा मोक्ष, ऐसा होते ना सात तत्व। यदि यहाँ भी अजीव गायब हो जाता तो तत्व भी छह ही रह जाते, जैसे द्रव्य छह है ना। तो इसका कारण क्या है? तो इसका मूलभूत कारण ये है कि आश्रवादिक ऐसे उन्होंने भेद किए कि द्रव्य तत्व और पर्याय तत्व। तो जीव और अजीव दो द्रव्य तत्व हैं, आश्रव बंध सम्मा निद्रा मोक्ष एक पर्याय तत्व हैं। तो जब संक्षेप करेंगे तो सबकी पर्याय अपने अपने द्रव्य में शामिल हो जाएंगी, तो जीव अजीव दो तत्व रह जाएंगे, ख्याल में है ना। लेकिन जब हमने पर्यायों को तत्व व्यवस्था में अलग नाम दे दिया तो फिर जीव और अजीव में पर्याय शामिल नहीं है। जीव और अजीव द्रव्य में तो पर्याय शामिल हैं, लेकिन जीव और अजीव तत्व में पर्याय शामिल नहीं है, क्योंकि जीव और अजीव द्रव्य की व्यवस्था में पर्यायों के लिए अलग से कोई स्थान नहीं है, है ना। लेकिन तत्व व्यवस्था में है। आप विचार करो कि आश्रव बंध पुण्य पाप संभय निद्रा और मोक्ष, इन पर्यायों को छोड़कर जीव की और कौन सी पर्याय बाकी बचती है जिसे आप जीव में शामिल करना चाहते हो? आश्रव से लेकर मोक्ष तक की पर्यायों को आपने भिन्न तत्व व्यवस्था में दे दिया ना, तो फिर आप उसको जीव अजीव में नहीं डाल सकते। लेकिन द्रव्य व्यवस्था में पर्यायों को अलग से स्थान नहीं दिया, इसे द्रव्यों में वो शामिल रहते हैं। अभी हिंदुस्तान में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन अमेरिका में ऐसी संस्कृति का विकास हो गया है कि एक घर में कोई आदमी रहता है और उसके दो बच्चे हैं, एक दो तीन वर्ष का एक पाँच वर्ष का, और मियाँ बीवी सिर्फ चार आदमी हैं, तो उसके घर में कम चार या पाँच बेडरूम होंगे जिसको वो आवश्यक समझते हैं, एक पति पत्नी का, और एक एक बेडरूम दोनों बच्चों की, दो वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम और पाँच वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम, और फिर एक आज मेहमान के लिए चाहिए क्या। और वहाँ उस दो वर्ष के बच्चे को अलग बेडरूम में सलाते हैं, समझे ना। शुरू शुरू में तो बहुत विद्रोह करता होगा वो, लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसी आदत पड़ जाती है ना कि फिर उसको किसी दूसरे के बेडरूम में नींद नहीं आती, वो खिलौने से भर देते हैं उसके बेडरूम को पूरा, ख्याल में ना। और एक घटना सही है कि एक बच्चे का खिलौने से भरा हुआ बेडरूम था, वो अंदर अपना बैठा था और वो तो ऐसे घूमते घूमते और मैं उधर चला गया देखने के लिए क्या है, देख कैसे क्या होते हैं ना, कुतूहल बच्चे ले जाते हैं ना। तो बच्चे ने जाकर के अपनी माँ से शिकायत की क्या, और वो माँ समझा रही थी उसे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, दादाजी अपने ही हैं, ऐसा ऐसा समझा रही थी। तो लेकिन वो बहुत विरोध कर रहा था, तो मैंने उस माँ से पूछा क्या बात, बात क्या है, कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह नहीं बताओ तो कुछ है क्या, कि ये बच्चा ये कह रहा है कि पंडित जी मेरे बेडरूम में बिना नोक किए क्यों आए, नोक समझते हो, ऐसा ऐसा करके ऐसा करके, मैंने किवाड़ खुले हों तो अभी नहीं जा सकते आप, तो अभी आप उसे ऐसे खटखट करो, फिर वो बोलेगा कौन, फिर आप कहोगे मियाई कमन सर जो भी बोलो आप, फिर हो गए हाँ आइए, तब आप जा सकते हैं। दो वर्ष ढाई तीन वर्ष के बच्चे की ये पोजीशन है, क्यों तो इसको क्या तकलीफ हो गई, बोले ये कहता है कि मेरी प्राइवेसी भंग हो गई, समझ गए ना, मेरी प्राइवेसी भंग हो गई, समझ गया। अभी हिंदुस्तान में तो बहुत दिन लगेंगे, आप संपन्न हो जाएं तो पांच पांच बेडरूम के फ्लैट या मकान जरूर बना लेंगे, लेकिन सब जितने यदि दो बच्चे इतने छोटे होंगे तो एक ही कमरे में सब गुथे रहेंगे और बाकी चार बंद रहेंगे,
होता है क्या नहीं ऐसा ही। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि वो बच्चा भी दो दो तीन वर्ष का है, अपने माँ बाप के बेडरूम में जाएगा तो नोक करके जाएगा और फिर वो परमिशन लेके जाएगा। जब माँ बाप अंदर से कह देंगे कि हाँ बेटा आ जाओ, तब वो अंदर जाएगा। ये उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं ये तत्व व्यवस्था और द्रव्य व्यवस्था के संदर्भ में ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इतनी कड़क व्यवस्था के बच्चा आपके रूम में आपसे परमिशन लेके आए, ये तभी संभव है जब उसके लिए सेपरेट बेडरूम हो। अब उसके लिए सेपरेट बेडरूम की व्यवस्था तो करें नहीं, पर अपने कमरे में उसका एक बगल में डाल के थोड़ी से उसे सुलाएं और फिर कहें कि वो पूछ पूछ के आए, ये संभव नहीं है। ये आपके ख्याल में आ गई ना बात है? ऐसे ही यदि पर्यायों के लिए अलग व्यवस्था करें तो द्रव्य में उनका नो एडमिशन हो सकता है, परमिशन से भी नहीं होगा एडमिशन। अपन तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, वहां तो नो एडमिशन हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन यदि तत्व व्यवस्था अलग नहीं रखें तो फिर वो पर्याय द्रव्य में तत्व में शामिल रहेंगी ही। तो आश्रम से लेकर मोक्ष तक की पर्यायों में जीव की सभी पर्यायें आ जाती हैं, इसलिए आत्मा अलग है और आश्रम अलग है, ये जानना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अजीब भिन्न है। अजीब का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात तो कदाचित आसानी से गले उतारी जा सकती है, लेकिन आश्रम भाव तो मेरे ही परिणाम है ना, आत्मा के ही चित्त विकार, और उनका भी मैं कर्ता भोक्ता नहीं है, तो कर्ता भोक्ता की चर्चा चल रही ना। ये समझाना बहुत कठिन है, यदि उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करते तो हम अजीब के बारे में ही ये बात समझते रहते कि ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम परद्रव्य के कर्ता नहीं हो। अजय समझना कितनी बात है, यानी यद्यपि आज के इस जगत में परद्रव्य के कर्ता तुम नहीं हो, ये समझाना भी बहुत कठिन काम है। क्यों? ये मकान आपने नहीं बनाया, आपने कोई गाड़ी आपने नहीं खरीदी, आप उसे नहीं चलाते हैं, ये किताब हमने नहीं लिखी, ये समझाना इतना आसान नहीं है। लोग हंसते हैं कि तो कल्पना लोग की बातें करते हैं, क्या है? सब करते रहते हैं और कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और जरा भी इनकी मर्जी के अनुसार नहीं हो तो आग आग वो बुरा हो जाते हैं, कहते कि नहीं कहते। फिर भी आचार्य कहते हैं कि निरंतर के अभ्यास से पर से भिन्न है, पर का कर्ता आत्मा नहीं है, ये किसी तरह गले उतर भी जाए तो राग तो हमारी पर्याय है, हम उसके भी करता नहीं है। अब जरा देखो, मैं इसको थोड़ा सार्प और करता हूं, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सारा उपदेश है। अब क्रोध के नहीं करना चाहिए, कसाय नहीं करना चाहिए, क्यों? ये है ना सारा उपदेश धर्म का। अब कहते हो कि वो कह कसाय मैंने करिए ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती कह रहे कसाय नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कसाय का कर्ता आत्मा है ही नहीं। तो उस जगत के आदमी को दो बातें एक साथ कैसे चलती हैं कि कोई जीव कसाय मैंने आश्रम भाव को कर नहीं सकता और करना नहीं चाहिए, उपदेश का क्या मतलब है? यदि किसी तरह ये गले उतार दो तो वो कहता है कि कसाय करना ये तो सही नहीं है, लेकिन कसाई नहीं करना ये तो करना चाहिए ना। माने कसाय करना बंद करना चाहिए कि नहीं? तो ये बंद करना भी तो कसाय में ही कुछ करना होगा, समझे ना। जिस न्याय से आत्मा गुस्सा नहीं कर सकता, उस न्याय से आत्मा गुस्सा करना बंद भी नहीं कर सकता।
समझे ना। तो फिर करना तो ये कि नहीं करना चाहिए वाली बात निरर्थक हो जाती है। और करना नहीं करना चाहिए क्रोध, ये तो कितना उपदेश नागम में भरा पड़ा है। बोलो कितना प्रमाण चाहिए आपको, कदम कदम पे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। अब ये सिद्धांत गुरुदेव समझाएं कि क्रोधादि भावों का कर्ता आत्मा नहीं है, यही है ना, ये देखा ना, जब तक आत्मा आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानता, यहां तो भेद नहीं जानता लिखा है, और तुम कहते हो कि कर्ता नहीं है। तो कहते भैया भेद जानने का अर्थ चार चीजें हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसका निषेध तो पिछले अधिकार में किया जा सका जा चुका है, और अब इस अधिकार में मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इसकी चर्चा चल रही है। एक बात मैं आपको और समझा दूं जो हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समय सार प्रवचन सार नियम सार सब समझने के लिए, कि कुंद कुंद ने जब गाथाएं लिखी तो उन्होंने उस समय सार को अधिकारों में नहीं बांटा, वे तो 415 गाथाएं एक साथ लिखते गए। ये अधिकारों का विभाजन तो बाद में फिर अलग मंगलाचरण करते हैं, और गाथा में उस समा अधिकार के समापन की बात भी नहीं मिलती है, जैसी कलशों में मिलती है, समझ गए ना। वो तो बिल्कुल कंटिन्यूशन में एक बात गाथाएं चल रही हैं। तो अब देखिए जो गाथा थी कि मोहन कम सुजा मोह कर्म के उदय से जो ये गुणस्थान कहे गए हैं, है ना, वे नित्य मचेदना उक्ता, वे नियम से अचेतन हैं, ये बात कही थी ना, और उसी से कंटिन्यूशन में ये गाथा है। कोई अधिकार मधिकार का भेद मत करो, कि जावना वेदी विशेषंतरम आदात आसमान तू, तो वहां गुणस्थान से भिन्न बताया और उन्हें अचेतन बताया, और यहां कह रहे आश्रम से भिन्न नहीं जानेगा माने वही, तो वहां उन्होंने गुणस्थान का नाम ले दिया, यहां पर रागादिक का नाम ले दिया। वो तो भिन्न जानने ही वाली नहीं जानने वाली बात कह रही, ये कहां लिखा कर्ता नहीं मानेगा, उनके साथ कोई कर्ता क्रम अधिकार शुरू नहीं हुआ, समझ में आया ना, उनके हिसाब से तो वही चल रहा है, बस अपनी एक बात कह रहे हैं, उनके हिसाब से शुरू से ही वो बात चल रही। अब अमृतचंद ने ऐसा भेद डाल दिया कि जीवा जीवाधिकार में जीव अजीव में भेद किया, एकत्वमत्व का निषेध किया और इसमें कर्ता कर्म का निषेध किया। तो वो कहते हैं आत्मा और आश्रम में जब तक भेद नहीं जानेगा का अर्थ ये है कि वो उसका कर्ता अपने को नहीं मानेगा और भोक्ता अपने को नहीं मानेगा। तो भेद जानने का अर्थ तो है कि ये इस रूप हूं मैं और मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ये अर्थ होता है कि ये अर्थ तुम एक कर्ता कर्म की गाथा है इस हिसाब से मान लेना। क्यों? तो आपके चित्त में ये विभाग डालने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने ये जो मंगलाचरण का कलश लिखा तो मंगलाचरण लिख करके भेद डाल दिया कि नया अधिकार आरंभ हो रहा है, और उसमें एक कहकर कि एको कर्ता चिदेह में कर्म को पादयोमी, एक चैतन्य आत्मा करता है और क्रोधादिक मेरे कर्म है, एक कर्ता कर्म से मंदी बात है, यहां से शुरू ये बात डाल दी। अब यहां से एकत्वमत्व की बात का दिमाग में से निकाल देना, और जो भी बात हम कहें दोनों में भेद नहीं जानना की बात कहें तो ये समझ लेना एक देव को दूसरे देव का कर्ता मानना उसका नाम है भेद नहीं जानना, और कर्ता नहीं मानना उसका नाम है भेद जानना, ये ऐसा अर्थ समझना। ये बात निरंतर ध्यान में आपको रखना पड़ेगी, ध्यान ये प्रकरण आएगा जैसी भी बात चलेगी ना। तो पहली पंक्ति में लिखाएंगे जावण वेदी विशेषंतरम आदासमान दोनंपी, आत्मा और आश्रमों में जब तक यह आत्मा भेद नहीं जानता है माने रागादिक भावों का कर्ता अपने को मानता रहता है,
अपने को कर्ता मानते रहने के लिए ऐसी भाषा का भी प्रयोग होता है कि जब तक इनका कर्ता बनता है, बनना माने मानना कि मैं इनका कर्ता हूं, तब तक क्या होगा, अन्नानी ताबदु, तब तक वह अज्ञानी रहेगा। माने तुमने इन दोनों को अलग अलग जान लिया, जैसा कि हमने जीवाधिकार में कहा था, और तुम समझ लेना कि हमने जंग जीत लिया, तो इस धोखे में मत रहना। यदि तुमने उसमें अपना कर्तृत्व भी माना तो भी तुम अज्ञानी ही रहोगे। क्यों रहेंगे अज्ञानी? क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान भाव का कर्ता माना गया है। क्या? और इस भाव का नाम है अज्ञान भाव। काय का नाम? कि मैं राग आदि का कर्ता हूं, ऐसी मान्यता ज्ञान भाव है कि अज्ञान भाव? ऐसी मान्यता, बोलना नहीं, बोलना तो व्यवहार है, समझे ना। तो यहां ये बताना चाहते हैं वो कि ये जीव ऐसी मान्यता का कर्ता तो है, क्या, अज्ञानी जीव, लेकिन अज्ञानी के भी ये भाव उसके मानने से उसके हो नहीं जाते और उनका कर्ता वो नहीं हो जाता। इसलिए रागादिक का करना और रोकना अज्ञानी के हाथ में भी नहीं है, और ज्ञानी के तो मानते ही नहीं है, तो ज्ञानी के हाथ में तो होने का सवाल ही कहाँ है। और जिन रागादिक की बात है वो रागादिक ज्ञानी के हैं ही नहीं, ये अनंतानबंदी संबंधी मिथ्या संबंधी रागादि की बात है, है ना। लेकिन अज्ञानी मानता है, तो अब आगे फिर ऐसा भेद डालेंगे कि अज्ञानी मानता है इसलिए उनका कर्ता हो जाता है, तो कर्ता होना मान्यता के हिसाब से रहा ना, तो वो कहते हैं कि उनका नहीं हुआ कर्ता, ये उस मान्यता का कर्ता हुआ। क्या है? और उसकी वजह से उनका भी कर्ता कह दिया जाता है। अब गुरुदेव ने जो भी कैसे चल रही थी ना, तो उसमें वो ये बात कह रहे थे कि जैसे अपन कहते हैं मैंने पर को जाना, तो पर का मैंने कुछ किया तो नहीं, जाना तो मैं पर की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, उसको जानने रूप क्रिया का कर्ता हूं, क्योंकि मैं उसको जानने रूप परिणमा हूं। समझे ना, तो मैं कार्य का करता हूं वो जानने रूप क्रिया का, क्योंकि वो जानने रूप क्रिया मेरी है। फिर उन्होंने कहा ये भी व्यवहार है, कि ये व्यवहार क्यों है, कि ये उसको जानना इतना इतना चेंट रहा है ना, वो मेरे अंगना में तेरा क्या काम है, ज्ञान का आनंद जो है उसमें उसका इतना भी प्रवेश बर्दाश्त नहीं है अध्यात्म को। क्या जानने रूप कार्य तो मेरे में ही हुआ, तो उसका कर्ता तो मैं हूं, लेकिन तुम उस ज्ञान के गे तुम बने ना, तो इतना प्रकाश संपर्क आया तो वो कहता हमारा व्यवहार है, इसलिए पर को जानना व्यवहार कहा है। वो नहीं जानता इस अर्थ में नहीं है। क्या वो पर को करने रूप क्रिया का तो निषेध पहले ही कर दिया, उसको करने का जो राग हुआ उसका कर्ता का भी निषेध कर दिया, और जानने रूप क्रिया का कर्ता रखा, लेकिन उसको भी क्योंकि पर का इतना जुड़ान हुआ तो उसको भी व्यवहार करके निषेध कर दिया। तो मैं तो क्या हूं, बस मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। तो अच्छा वो उसको नहीं जाना, अपने आत्मा को जाना। क्यों?
तो अब ये तो निश्चय हो गया ना, अब इसमें तो भी पक्का निश्चय है कि नहीं, तो निश्चय तो राग का कर्ता आत्मा है वो भी था, उसका नाम था अशुद्ध निश्चय, लेकिन उसी का निषेध करते करते उसे व्यवहार कहते आए ना। तो मैंने अपने आत्मा को जाना, अब तो कोई नहीं रहा ना, अब तो पक्का निश्चय है कि नहीं है, बोलो मोहनलाल जी है? ये तो कभी व्यवहार नहीं बनेगा ना। कहते ये भी व्यवहार है, क्यों? क्योंकि स्वयं में ही इसने ज्ञान और ज्ञेय का भेद कर दिया, और भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। अभेद नहीं, पर मैंने जाना, अब मैंने स्वयं को, मैंने मेरे को जाना, इसका क्या मतलब है? क्या माने? अपने आत्मा के दो हिस्से कर दिए ना, तुमने डबल रोल कर लिया ना, एक अंग की नाटक जैसा, पत्नी का पाठ भी वही कर रहा है, पति का पाठ भी वही कर रहा है, आवाज बदल बदल के, कि मैंने जाना, मुझको जाना, कि तुम और वो, जिसे जाना वो और जिसने जाना वो दो अलग अलग हैं कि नहीं, कि निश्चय से अलग अलग नहीं है। तो नहीं है तो तुमने उसमें भेद रूप व्यवहार खड़ा किया, इसलिए ये भी व्यवहार है। अब हमारी दिक्कत क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया जनागम में बहुत बहुत बार कथन में आती है। अब वो वैसे झगड़ा करने लगते हैं सब लोग, कोई भी वो लिखा ना निश्चय से ये है, उसको पकड़ ले जाते, पकड़ के बैठ जाते हैं बस, और वहाँ व्यवहार से उसको निषेध किया तो कोई लोग उस निषेध को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे हम ये कहें कि रागादिक का कर्ता निश्चय नहीं से आत्मा है, तो अशुद्ध निश्चय नहीं से तो गला पकड़ता है, नहीं नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं कहते हैं ऐसा तुम कहोगे तो हम कहेंगे निर्मल पराय का कर्ता भी नहीं है, कि नहीं उसका तो है, उसको पकड़ के बैठ गया क्या, लेकिन उसका कहें नहीं, उसके ज्ञान का कर्ता है। ऐसी एक एक स्टेप पर कोई एक एक आदमी का ध्यान गया तो उसको पकड़ के वो बैठ जाता है। और जबकि भेद विज्ञान की पद्धति ये है कि सारा जगत यहाँ से भेद विज्ञान शुरू करना है, और कहाँ तक कि मैंने मेरे को जाना, ऐसा भेद भी जब तक है तब तक व्यवहार है। जैसे कहा भेद विज्ञान कबलों भरोगे जब तक मुक्ति ना हुए, ऐसे ही एक छंद की पंक्ति ऐसी भी है विनाशी दास की, कि व्यवहार व्यवहार कहाँ तक कि जोलों मुक्ति ना होए, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक व्यवहार है क्या, तब तक ये व्यवहार खड़ा रहेगा। अब तुम सुनो वहां घी के घड़े वाला व्यवहार थोड़ी खड़ा रहेगा है? ऐसा लिखा है कि वचन मात्र व्यवहार है, पढ़ा कलस्टी का वगैरह में, नए चक्र में सब दिया है मैंने क्या, कि वचन मात्र व्यवहार है। तो नहीं, क्योंकि निश्चय तो वचन में आता ही नहीं, वो तो अनिर्वचनीय है क्या, वो तो अनिर्वचनीय है, तो वचन मात्र व्यवहार है, आपने बोला तो व्यवहार हो गया। अब कैसे बचोगे आप उससे, कि बचने की जरूरत क्या है, वो तो प्रतिपादक है, वो तो ये कह रहे हैं जो प्रतिपाद्य है जिसमें तुम्हें अपनापन स्थापित करना है, इस व्यवहार में अपना अपन मत स्थापित कर लेना है? लेकिन भाई स्त्री पुरुष और बाल बच्चे इनको तब तक अपना कहना पड़ेगा जब तक उनसे भिन्न जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, क्या उनसे भिन्न अपने को बताना है, तब तक अपने घर को तब तक अपना अपन घर कहना पड़ेगा कि जब तक जिसकी रजिस्ट्री अपने नाम नहीं है, ऐसा पूरा हिंदुस्तान के घर उनसे भिन्न अपने को बताना है। फिर अंत में ये भी कहना पड़ देंगे कि ये घर जो तेरे नाम रजिस्ट्री है ये भी तेरा नहीं है, ये भी धर्मशाला है। क्यों? कि धर्मशाला में चार दिन को तुम ठहरता है, ऐसा ऐसा चार दिन नहीं सही, चार महीना सही, चार बरस सही, चार 70-80 बरस सही, फर्क तो नहीं है कुछ, पर काल का ही अंतर तो है। तो उस
दूर वाले पर को पर बताने के लिए नजदीक वाले पर को स्वामी कहना पड़ता है, ऐसी जनागम की पद्धति है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब तुम एक एक वाक्य को पकड़ के बैठ जाएगा और आगम के प्रमाण ले लेकर के आएगा, वो टोडम जी के श्रोता में क्या है, वो आगम अपेक्षा नहीं समझता है और बार बार वही प्रश्न खड़े लेके आता है और वो भी बार बार अपेक्षा समझाते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है कि यदि वो अपेक्षा को हमने समझाया और नहीं माने कि तुम तो दोना पट्टी कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अपेक्षा बता सकते हैं ना, कैसा वो एक आपका लड़का आया था, फला आदमी आए थे हमें पंडित जी, और वो कह रहे थे कि परजीव भी अजीब है, तो ये गलत है ना, ऐसा प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न मैंने से किया है देश में विदेश में सब जगह, और नाम भी लिया है किन्ने कही। अजमेर में पंडित कैलाश चंद जी गए थे बुलंदशहर, उनके विरुद्ध मेरे से शिकायत की थी, वो कहा था। और अमेरिका में वे जाते हैं उज्ज्वला बहन और दिनेश भाई, उनके विरुद्ध की है, ये नाम लेके बता रहा हूं मैं शिकायत। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कहा गलत क्यों है, सही है, हैं आप भी वही बात करते हैं। और फिर बस भड़के बहुत ज्यादा, उसकी अपेक्षा समझो, हम अपेक्षा में अपेक्षा नहीं समझते, अब नहीं समझते हम क्या कह सकते, बोलिए। हम तो सिर्फ अपेक्षा ही समझा सकते हैं। अब तुम कह हम कह देते एक मिनट में हाँ उनने गलत किया, तो बस हम उनके प्रिय हो जाते, उनको लड्डू मड्डू खाने पीने को मिल जाते, चंदा मंदा करना होता तो वो भी प्राप्त हो जाता, अब भुगत रहते जो कुछ होता होता, क्या हमें क्या मतलब है, क्यों कि वो उनका कुछ होता कि तत्व का कुछ होता, बोलो बोलो। यदि हम ऐसा कह देते तो हमारे तो लड्डू पक्के हो जाते, लेकिन वो उनका विरोध चालू रहता कि तत्व का, क्योंकि जनागम में है ना वो अपेक्षा, जनागम में वो अपेक्षा है, इसलिए ये कहते हैं अज्ञानी तावदसु कोदादित बठतो जीवो, तब तक यह क्रोधादिक में बर्तन करता हुआ जीव अज्ञानी है। और अज्ञानी जीव क्रोधादिक में बर्तन करता है माने उन क्रोधादिक का कर्ता बनता है, और क्रोधादि बट्टतन से क्रोधादिक में बर्तन करते हुए तस्य माने उस जीव के कम्मस्य संचयो होदि, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का संचय होता है, ये आते हैं कर्म। और जीवस एवं भरदो खल भरदा खल खब्द दर्शी हु, जिनेन्द्र भगवान ने इस तरह आत्मा से कर्मों का बंध होता है ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है। देखो समय सार में गाथा आती हैं और पर का कर्ता आत्मा नहीं है, और उसमें लिखा होता है ये भाग सर्वज भगवान ने कही है, जिन्हें ही पढ़ने प्रज्ञप्तम आता क्या नहीं, भरदा खली सभ्य दर्शी, और गोमर सार में नहीं आती ये पंक्ति कि भगवान ने कहा है, जिन्हें भगवान ने कहा है, उसमें भी आती है, ये देव दूसरे देव का करता है उसमें भी भगवान ने कहा है, और एक देव दूसरे देव का करता नहीं है उसमें भी भगवान ने कहा है, आती है, आती क्या नहीं पंक्ति। और मैं आपसे पूछता हूँ अन्ना जी, हमारे और आपके जो गुरु जी थे उनसे ये पूछें कि जिन्हें ही प्रज्ञप्तम का क्या अर्थ है, भरदा खली सज्ञ दर्शी हम का क्या अर्थ है, तो ये भर्ती की पंक्ति है। अपनी बात एक छंद के चार पद होते हैं ना, और तीन पद में पूरी हो गई, अब क्या करें, तीन पद का गाथा थोड़ी रहेगी, गाथा तो चार पद की होगी, तो लिख दो भरदा खली सभ्य दर्शी जिन्हें ही प्रज्ञप्तम, यानी ये बार बार जो ये लिखा है इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ इतना है कि गाथा में की भर्ती करने के लिए ऐसा ऐसा बताते समझाते सब। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आचार्य समझते हैं कि मेरी बात है, मैं ये कहूंगा तो ये लोगों के गले नहीं उतरेगी, तो भगवान की साक्षी दे करके ये बात करनी पड़ेगी। एक भंडाखर शब्द दर्शीहीन, ये बात मालूम कैसी है, उदाहरण बताऊं, अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ये एक नंबर के झूठ बोलने वाले ठग बनिए,
ग्राहक से कहते हैं नेम कसम इसी भाव आया है, बिल देख ले, कभी बिल मिल दिखाएंगे नहीं समझे। बनिया वो बनिया हर जगह करते हैं, आप बिल्कुल सच में आपके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ है, आप कहो तो हम प्रोसीडिंग दिखा दें, दिखाएंगे नहीं ना प्रोसीडिंग वर्सी में क्या कहेंगे समझ रहे, क्योंकि किसी तरह उसका विश्वास पैदा करके उसको कैसे लूटें। जैसे ये बनिए लूटने के लिए बार बार नेम कसम खाते हैं, ऐसे ही जो बनिया आचारी बन गए घबराना नहीं नहीं तो दीक्षा लेके बने अब उन्हें इस जगत को परम सत्य गले उतारना है, क्यों तो बेबी बार बार नेम कसम खा खा के सर्वज्ञ की साक्षी दे दे करके अपनी बात कहते हैं। देखो उल्टा अर्थ मत लगाना कि ऐसी बेईमानी करते हैं, झूठ बोल झूठ बोल झूठ बोलते हैं, नहीं उनने तो ठगने के लिए वो प्रयोग किया, और इन्होंने उस परम सत्य को समझाने के लिए वो प्रयोग किया, इसलिए वो पद निरर्थक नहीं है, वो भर्ती का नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि एक इस गाथा में यदि जो बात वो कहना चाहते हैं वो बात चार ही पदों में आती तो ये शब्द वे नहीं डालते, इसमें कोई एतराज नहीं है, क्यों फिर अगली किसी गाथा में डाल देते है, वो तो सर्वज्ञ की कही हुई है, और जिस गाथा में ये पंक्ति नहीं डली है वो सर्वज्ञ की कही हुई नहीं है। सार करुणानि योग तो पूरा सर्वज्ञ का कहा हुआ है, उसमें एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है जो सर्वज्ञ के द्वारा कही गई नहीं हो, और ये तर्क और युक्तियां ये सर्वज्ञ की वाणी में नहीं भी आई होंगी तो आचार्यों ने अपनी तरफ से भी है? लगा सकते हैं, समझ में आया ना। लेकिन वो तो जीव कितने होते हैं, अजीव कितने होते हैं, एक इंद्री कितने होते हैं, दो इंद्री कितने होते हैं, मनुष्य कितने होते हैं, ये संख्याएं हैं, ये तो सर्वज्ञ के अलावा कोई दूसरा बता नहीं सकता।